Bismillahirrahmanirrahim. welcome to the next lecture of programming fundamental i hope you are well and performing the practical work of the programming fundamental we already discussed and perform and execute different programs in classroom in this lecture again we start सी प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग सी 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 प्लस प्लस लैंग्वेज स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम अल्फाब्स ए बी सी एंड सो ऑन धेन गोज द वर्ड्स धेन वर्ड्स टू सेंटेंस एंड सेंटेंस टू पैराग्राफ सेम स्टेप्स इन लर्निंग सी सी प्लस प्लस वी लर्न अल्फ़ाब्स डीजिट्स स्पेशल सेम्बल्स विच आर यूज इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैन वी डिस्कस कॉन्सटेंट्स वेरिएबल्स कीवर्ड्स ये अल्फाब्स डीजिट्स स्पेशल सेम्बल्स मिलकर हमारे कॉन्सटेंट वेरिएबल्स कीवर्ड्स बनाते हैं दैन ये कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें ये दोनों मिलकर इंस्ट्रक्शन बनाती हैं और इंस्ट्रक्शन मिलकर हमें एक प्रोग्राम बनाता है एक प्रोग्राम बनाते हैं तो करेक्टर सेट क्या होता है द करेक्टर्स विच आर यूज़ इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो करैक्टर्स वो सैम्बल्स जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो सकते हैं वो मिलकर एक करेक्टर सेट बनाते हैं जैसे कि हमें पता है कि हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ए बी सी टू सन् जी तक स्मॉल अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं करेक्टर सेट हैं जो कि उस लैंग्वेज के अंदर यूज़ हो सकते हैं द करैक्टर्स विच कैन बी यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज करेक्टर सेट कलेक्टिवली नोन एज करेक्टर सेट तो हमारे पास एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज तो कॉन्सटेंट्स क्या होते हैं हमारे पास कॉन्टेंट्स मीन के सी सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्सटेंट हमारे दो तरह तो के होते हैं एक प्राइमरी प्राइमरी कॉन्सटेंट्स होंगे एक सेकेंडरी कॉन्सटेंट्स होंगे कॉन्सटेंट्स वो हमारे पास एंटीज़ हैं जो कि चेंज नहीं होती जो कि फ़िक्स रहती हैं फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मैं एक बात करूँ नुमरिक वैल्यूज़ की ट्वेंटी ट्वेंटी आलवेज रिमेन ट्वेंटी ट्वेंटी कभी चेंज नहीं होता तो सो इट्स कॉल कॉन्सटेंट तो हमारे पास प्राइमरी कॉन्सटेंट्स के अंदर इंटीजर कॉन्सटेंट्स हो गए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ट्वेंटी है थर्टी है दीज आर कॉन्सटेंट्स यानी इंटीजियर कॉन्सटेंट इस तरह रियल कॉन्सटेंट्स हैं हमारे पास यानी पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे वन पॉइंट फाइव हो गया ट्वेंटी पॉइंट्स ये ये हमारे पास रियल कॉन्सटेंट्स हैं इसी तरह करैक्टर कॉन्सटेंट्स हैं अगर हम करैक्टर्स को क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं हमारे सकेंडरी कॉन्सटेंट्स अरेज पॉइंटर स्ट्रक्चर ई टी सी ये भी क्या हो सकते हैं हमारे कॉन्सटेंट्स हैं जिनकी वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी वैल्यू चेंज नहीं होगी हमारे क्या बन जाएंगे कॉन्सटेंट्स कहलाएंगे जैसे कि एग्जांपल में देखें इंटीजर कॉन्सटेंट मस्ट पॉइंट्स इसके इशारे नहीं होता इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ देर इज़ नो साइन एन इंटीजियर कॉन्सटेंट इज्यूम टू बी पॉजिटिव तो हमारा इंटीजियर कॉन्सटेंट हमेशा क्या होगा जिसके साथ कोई सैम्बल नहीं है तो क्या होगा जैसे यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को नजर आ रहा है वन थर्टी फाइव है तो इस वन थर्टी फाइव हमारे पास कोई सेम्बल सेम्बल नहीं है इट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा ये ये वाला ये हमारे पास इंटीजर कॉन्सटेंट्स है और ये पॉजिटिव है तो ये इसी तरह नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं रियल कॉन्सटेंट ये उसी तरह हमारे पास आल्सो कार्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनको इशारिया वाले जिसे कहा जाता है रियल कांस्टेंट मस्ट हैव डिजिट ठीक है कम अज़ कम इसका एक डिजिट होगा इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट लाजम तौर पर इसमें इशारिया होगा जैसे ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स है डिफ़ॉल्ट साइन इज पॉजिटिव अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा नो कॉमाजर ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन रियल कांस्टेंट इसके अंदर ब्लैंक्स या कॉमा वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट रियल कांस्टेंट है ये भी ये एक रियल कांस्टेंट है ये रियल कांस्टेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इसी तरह हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट्स हो सकते हैं करैक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल अल्फाबेट अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास हम इसे किसके अंदर लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है इसको और ये हमारे पास जो होंगे इनक्लोज विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास द मैक्सिमम लेंथ कैन बी वन करैक्टर तो इसके अंदर करैक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगा एक करैक्टर होगा मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी होगी एक करेक्टर जैसे ये एक ए है ये आई है ठीक है इसी तरह ये फाइव है ये इक्वल का साइन है तो जब हम इसको करैक्टर कांस्टेंट बनाएंगे तो करैक्टर कांस्टेंट ऑलवेज रिटन इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनका हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अगर हमने किसी की वैल्यू फिक्स करनी है अगर हम ये चाहते हो कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो ये हमेशा सेम ऐसे एज इट इज़ रहे तो हम उसे क्या कर देते हैं कॉन्सटेंट बना देते हैं और इसी तरह अगर हमारे पास वेरिएबल्स वो आ, हमारे पास कंटेनर्स होते हैं वेरिएबल्स हमारे पास मैं बेसिकली मैं आगे, आगे आपको इसकी डिटेल प्रोग्रामिंग टर्म uh, के हिसाब से भी बताऊंगा वेरिएबल्स आर द लाइक कंटेनर्स इन योर कंप्यूटर मेमोरी कंटेनर क्या होता है जिसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं इसी तरह हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये कंटेनर की तरह हैं यानी हमारी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो जिस नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे उसी नाम की हमारी मेमोरी के अंदर जगह बन जाएगी और वहाँ पे हमारी क्या हो सकती हैं वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं तो वेरिएबल आर लाइक कंटेनर इन योर कंप्यूटर मेमोरी यू कैन स्टोर द वैल्यू इन देम एंड रिटीव आर मोडिफाई दैम वेनसरी जब हमें ज़रूरत होगी ठीक है एज देर नेम सुट वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम बना रहे हो मैं प्रोग्राम चल रहा है तो अगर आपकी कंडीशन के मुताबिक उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पहले इसको देख लेते हैं आई एंटी डैट मे वेरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नेम गिवन टू द लोकेशन इन द मेमोरी यानी सपोज मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी देखें कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या रखा एक्स ठीक है कैसे डिक्लेयर करते हैं हम आगे देखेंगे इसको हम कौन सी वैल्यू दे दी पहले थ्री वैल्यू दे दी अब आगे मैंने यहाँ पे तो मेमोरी के अंदर जगह बनी एक्स के नाम की ठीक है ये सपोज मेरी मेमोरी है कंप्यूटर मेमोरी रैम इसके अंदर जगह बनी एक्स के नाम की और वहाँ पे क्या स्टोर हो गया थ्री इसी तरह अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू फाइव तो पहले एक्स में क्या था थ्री था तो अब वो उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएगा यानी एक्स में क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा अब यहाँ पर देखें उसी तरह एक्स के नाम की जगह मेमोरी में हुई और उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है चेंज हो चुकी चुकी है तो सो इट्स कॉल्ड वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी वैल्यू देखें पहले एक्स की वैल्यू थ्री थी अब एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है फाइव हो चुकी है तो एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर एंड अंडर स्कोर के सेंसिटिव हमारे पास uh, होते हैं जैसे हमारे पास ये सम है इज डिफरेंट फ्राम सम तो ये हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो कोई इसके अंदर लेटर्स आ सकते हैं नंबर एंड अंडर स्कोर आ सकता है बट रिमेंबर दैट वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अंडर स्कोर आर लेटर लेटर से स्टार्ट होगा नंबर से नहीं स्टार्ट होगा ठीक है कैन नाट बिगन डिजिट जैसे यहाँ पे देखें आपने लिख दिया वन फर्स्ट uh, नेम ये इलीगल है क्योंकि मैंने क्या कहा कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर आर अंडर स्कोर जैसे ये हमारे पास डिवाइड बाई टेन ये लीगल है क्योंकि इसके अंदर नंबर आ सकता है बट नॉट स्टार्ट फ्राम द नंबर ठीक है यूजली वेरिएबल बिगेनिंग विद द अंडर स्कोर ठीक है आर यूज ओनली इन स्पेशल लाइब्रेरी रूटीन जैसे हमारे पास यहाँ पे अंडर स्कोर से जो स्टार्ट होते हैं वो किसी स्पेशल लाइब्रेरी के लिए यूज़ होते हैं अदरवाइज नॉर्मली हम लेटर से स्टार्ट करते हैं वैलिड सिस्टम कॉल लीगल ये भी एक लीगल वेरिएबल है मीनिंगफुल नेमिंग स्कीम यूजली ओनली द फर्स्ट थर्टी टू करैक्टर्स आर सिग्निफिकेंट वेरिएबल की जो लेंथ होती है जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो उसके वेरिएबल के नेम की जो लेंथ होगी वो थर्टी टू करैक्टर की होगी तो आपके जो आमतौर पर थर्टी टू करैक्टर्स कोई अगर बड़ा नाम रख देता है तो वो हमारे उससे जो थर्टी टू से आगे वाले करैक्टर होंगे वो इग्नोर कर देगा मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता होता हूँ कि वेरिएबल नेम मस्ट शुड बी शॉर्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए सेल्फ डिस्क्रिप्टिव से क्या मुराद है कि जैसे हमने किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या रख दूंगा मार्क्स ठीक है जो खुद से डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरे अंदर क्या है मार्क्स है स्टोर करने हैं तो इसी तरह वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ठीक है रेली लॉन्ग नेम मोर देन थर्टी वन करेक्टर्स अगर हमारे पास क्या होगा थर्टी वन करेक्टर से बड़ा होगा तो बोथ ऑफ द अबाउ आइडेंटिफायर आर लीगल एंड द सेम नेम ये हमारे पास क्या है दोनों लीगल हैं ठीक है जिसके अंदर क्या होंगे थर्टी वन करेक्टर्स के जो हमारे पास नेम होगा यानी इससे बड़ा जो अगर आप करोगे तो बाकी क्या हो जाएंगे इग्नोर हो जाएंगे देयर कैन बी नो इम्बेडेड ब्लैंक्स और स्पेशल करेक्टर वेरिएबल के नेम के अंदर कोई खाली जगह नहीं हो सकती या स्पेशल करेक्टर नहीं आ सकती यानी इसका क्या मतलब है जैसे ये लिखा है ग्रास और खाली जगह छोड़ के आगे सैलरी ये नहीं हो सकता ये लीगल है या जैसे ये परसेंटेज का साइन यूज़ कर दिया ये स्पेशल करेक्टर है उसके नाम के अंदर ये नहीं यूज़ कर सकते ये भी इलीगल है कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर कीवर्ड जो यूज़ कर रहे हो या रिजर्व वर्ड वो वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते ठीक है रिजर्व वर्ड हमारे पास क्या होंगे की वर्ड और रिजर्व वर्ड आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग एंड परपज़ज़ यानी जिनको हम पहले से ही लैंग्वेज बनाने वाले ने कुछ वर्ड ऐसे बनाए हैं उनका मतलब और पर्पज़ उसने पहले से डिफ़ाइन कर दिया है जैसे हमने ये फ्लोट है तो ये वेरिएबल ये डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है फ्लोट ये उसने ये वर्ड डिफ़ाइन कर दिया कि जब आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो ये लिखोगे फ़्लोट अब ये किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता ये डबल ये भी एक डेटा टाइप है ठीक है ये भी उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया अब ये उसी डाटा टाइप के लिए यूज़ हो सकती है किसी और काम के लिए यूज़ नहीं हो सकती तो इनको वेरिएबल के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम ठीक है इन डीजर वन सम फर्स्ट नाम ये हमारे पास क्या हो सकते हैं वेरिएबल हो सकते हैं ये इनवैलड वेरिएबल्स कैसे हैं ये हैश ये हम क्योंकि स्पेशल सिंबल आ गया ये हम यूज़ कर सकते ट्वेल्व एक्स पहले करैक्टर आ गया डिजिट आ गया डिजिट पहले हम नहीं ले सकते फर्स्ट नेम इसके अंदर स्पेस आ रही है ये भी हमारे पास क्या है इलीगल वेरिएबल्स हैं यानी ये, ये जो हमारे पास हैं ये सारे क्या हैं इन वेलिड वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं ये वेरिएबल्स के नेम हैं सिर्फ ये वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है मेरे बच्चे याद रखिएगा जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मैं अभी आप लोगों को प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा करूँगी देखूँगी कि हम कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल्स एवरी वेरिएबल है वेरिएबल की क्या क्या चीज़ें होती हैं हर वेरिएबल का नेम होता है ठीक है वेरिएबल की टाइप होती है वेरिएबल का साइज़ होता है और उस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू होती है ये चार चीज़ें होती हैं वेरिएबल की ठीक है वेरिएबल Uh, के अंदर हमारे पास चार चीज़ें हो सकती हैं एक वेरिएबल का नेम लाजमी तौर पर होगा उसकी टाइप डेटा टाइप हमें लाजमी तौर पर डिफ़ाइन करनी होगी उस वेरिएबल का कोई ना कोई साइज़ होगा ये ऑप्शनल होता है इन सम केसेस और कुछ केसेस के अंदर हमें वेरिएबल का साइज़ देना पड़ता है इसी तरह वैल्यू उसकी क्या होगी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो वेरिएबल का साइज़ है दो टर्म में हम बात करते हैं साइज़ अगर मैं अरे की बात करूँ तो वहाँ पर हमें अरे का साइज़ बताना पड़ता है तो हमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल बताने पड़ते हैं लेकिन यहाँ जो हमारे पास हम साइज़ की बात कर रहे हैं कि वो मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेगा ये साइज़ कहलाता है हमारे पास जो पहले मैंने आप लोगों को कहा कि ऑप्शनल है वो हम हर एक हम बात कर रहे हैं कि हमें सिर्फ वेरिएबल का साइज़ हमें बताना पड़ता है लेकिन यहाँ पे जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मेमोरी में कितनी जगह लेगा जैसे हमें पता है कि हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है मेमरी के अंदर कितनी बाइट लेता है टू बाइट लेता है तो इसका मतलब है उसका साइज़ कितना होगा टू बाइट ठीक है तो जो हमारे पास यानी ये जैसे मैं ये एक वेरिएबल बना देता हूँ एंट ए वेरिएबल का नाम क्या है इसके अंदर मैं अब सारी चीज़ें बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होगा ये मैंने एक वेरिएबल बनाया उसकी डेटा टाइप लिखी यानी जब भी आपने वेरिएबल बनाना है तो उसकी क्या लिखनी है कोई ना कोई डेटा टाइप लिखनी है <coughs> और उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे हमारे पास क्या मैंने यहाँ पे क्या रखा है वेरिएबल का नाम ए इसके बाद हम तो यहाँ इसी तरह मैं यहाँ क्या देता हूँ एज इक्वल टू ट्वेंटी या टू ठीक है तो यहाँ पे आप देखें कि अब उसकी डेटा टाइप है पहले उसकी डेटा टाइप आती है फिर वेरिएबल का क्या आता है नेम आता है ठीक है जब आप उसको डिक्लेयर कर रहे होंगे वेरिएबल तो उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको क्या बता दिया अब हम मुझे पता है कि डेटा टाइप के मुताबिक इसका साइज़ कितना है टू बाइट और ये हमारे पास मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है टू बाइट ले रहा है और इसकी वैल्यू क्या है टू क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या स्टोर करा दिया है टू स्टोर करा दिया है मेरे बच्चे याद रखें कि वेरिएबल की डेटा टाइप कब रखें कौन सी रखेंगे ये इट्स डिपेंड ऑन वैल्यू कि हमने स्टोर क्या करना है अगर मैंने कोई ऐसी वैल्यू नोमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है जिसके अंदर इशारिया नहीं आएगा जैसे कि हमारे पास सपोज मैं कहता हूँ कि किसी की एज स्टोर करनी है ठीक है मैं कहता हूँ कि टेन ईयर ट्वेंटी ईयर ईयर स्टोर करने हैं सिर्फ मैरिक वैल्यू तो इस तरह मैं उसकी वेरिएबल का जो डेटा टाइप रखूँगा वो इंटीजर टाइप ही रखूँगा अगर मैंने किसी की परसेंटेज स्टोर करनी है जैसे सपोज मैं कहता हूँ परसेंटेज मार्क्स जैसे कि परसेंटेज हमें पता है हो सकती है ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी पॉइंट वन पॉइंट में जो वैल्यू हो सकती है उसके लिए हम फ्लोट उसकी डेटा टाइप रखेंगे और इसी तरह अगर हमारे पास करैक्टर टाइप है यानी मैंने सिर्फ तो ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जैसे ए है बी है सी है तो इस तरह की कोई एक एक करैक्टर स्टोर करना है तो करेक्टर टाइप का अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ करैक्टर स्टोर करना है तो स्ट्रिंग टाइप का जैसे आगे हम देखेंगे तो आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा एनी वेरिएबल यूज़ इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेर्ड फर्स्ट बिफोर यू यूजिंग वेरिएबल को उसके इस्तेमाल से पहले आपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना है डिक्लेयर करना है जैसे मैं अभी आप लोगों को प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी अगर आप लोगों ने उसको यूज़ से पहले डिक्लेयर ना किया तो आपको एरर दे देगा वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफ़ोर देर यूज़ ठीक है तो उसके यूज़ से पहले आपने क्या करना होता है उसको डिक्लेयर करना होता है जैसे यहाँ पे देखें ये हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एंट होवर्स ये उसकी डेटा टाइप है ये उसका नाम है ठीक है ये एक ही डेटा टाइप के इंटीजर टाइप के मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ हम एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं बट उसको सेपरेट करना होता है कोमा के जरिए ठीक है ये है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल एंट होवर्स पे रेट ग्रॉस पे ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं इसी तरह डेटा टाइप क्या होती है ए वेरिएबल मस्ट है डेटा टाइप हर वेरिएबल की कोई ना कोई डेटा टाइप होगी एसोसिएटेड विद इट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास इंटीजर है ठीक है डेसीमल है करेक्टर है प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स इज देयर साइज इन मेमोरी यानी हर एक का डिफरेंस जो है ना हमारे पास किसके ऊपर होता है मेमरी के अंदर होता है मेमरी के अंदर कितना साइज़ लेगा जैसे इंटीजर मैंने आपको बताया कि दो बाइट लेगा जो हमारे पास है वो यानी इशारे वाले जो होते हैं हमारे पास वो फोर बाइट लेंगे या एट बाइट लेंगे करैक्टर जो है ना हमारे पास एक बाइट लेगा तो इस तरह डाटा टाइप डिफरेंट डाटा टाइप हैव डिफरेंट साइज इन द मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द मशीन एंड कंपाइलर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है ये मशीन और कंपाइलर्स के ऊपर डिपेंड करता है फ्यू टाइप्स इन सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज आर वर्ड्स ऑफ द सी लैंग्वेज जैसा कि यहाँ पे देखें मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन टू द कंपाइलर रिज़र्व वर्ड कौन से होते हैं या की वर्ड्स कौन से होते हैं विच है प्री डिफाइंड मीनिंग एंड परपज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कंपाइलर को उसको उसका मतलब पहले से डिफ़ाइन डिफाइन कर दिया गया होता है कि ये इस काम के लिए यूज़ होंगे अब ये वर्ड आप किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते जैसे ऑटो डबल इंट स्ट्रक्ट ये हमारे पास थर्टी टू करैक्टर्स होंगे सॉरी थर्टी टू हमारे पास रिजर्व वर्ड या की वर्ड होंगे जैसे कि हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ये फॉर ये लूप के लिए हम यूज़ करेंगे ठीक है ये स्टैटिक स्टैटिक वो बनाने के लिए साइज़ ये एक फंक्शन है साइज़ कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यू ये लूप के अंदर यूज़ करते हैं हमारे पास हम उसको किसी चीज कंटिन्यू करने के लिए ब्रेक ये सारी चीज़ें इन सबका यूज़ हम आगे देखते जाएंगे एल्स डबल ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं इनके मतलब और मीनिंग पहले से डिफ़ाइन है कि इसने करके करना क्या है ठीक है तो इनको हमने आगे यूज़ करना होता है हम इनको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आई डी एट कंटेन एडिटर जो हमारे पास आई डी होते हैं जिसके अंदर हम कम्पा प्रोग्राम बनाते हैं एडिटर कंपाइलर डीबगर उसके अंदर होता है डीबगर हमारे पास क्या करता है हमें एरर ढूंढ के देता है ठीक है कंपाइलर जी के अंदर हमारे पास एक डिबगर मौजूद होता है कि जो भी हमारा सेंटेक्स एरर होता है तो हमें उसकी लिस्ट शो करा देता है ठीक है उसके बाद लिंकर होता है जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ क्या कर रहा होता है लिंक कर रहा होता है जैसे मैं अभी आप लोग को प्रोग्राम में बताऊँ लोडर फिर क्या करता है लोडर हमारे जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर प्रोग्राम मौजूद होता है सेव होता है तो उसे किसके अंदर लेके आता है हमारे लोड करता है हमारी मेन मेमोरी में तो ये हमारे पास जैसे एक प्रोग्राम है माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी सी प्लस प्लस बी यू जैसे यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि इंक्लूड आई स्ट्रीम ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवस हैं ठीक है इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवस का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्व हैं देखें मैं आपको कोई काम करने के लिए एक पेज दे, दे देता हूँ सपोज़ ये मैं एक पेज आप लोगों को पकड़ाता हूँ कि भाई ये मैं आपको कोई टास्क दे रहा हूँ इस टास्क को परफॉर्म करो और यहाँ मैं कोई सैम्बल बना देता हूँ ये मैंने डिफाइन कर दिया मैंने इस तरह का को कोई सैम्बल बना दिया मैंने आ, गोल सर्कल बना दिया तो ये आप लोग को या फिर मैंने क्या कर दिया इस तरह का को कोई और सैम्बल बना दिया मैंने आप लोग कहा कि ये भाई ये पेज है इस पेज को पकड़ो इसके ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है पढ़ो और मुझे काम करके दो आप लोग को समझ नहीं आएगी कि ये क्या है अब अगर मैं एक और पेज दे दूँ साथ कि जिसके अंदर हमारे पास ये एक और पेज मैं पकड़ाता हूँ आप लोगों को जिसमें मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इस ये जो मेरे पास सर्कल था इसका क्या मतलब है ठीक है ये जो मैंने लाइन लगाई है इसका क्या मतलब है और ये जो मैंने साइन यूज़ किया है कि इसका क्या पर्पज़ है ये तो ये वाला जो साइन है इसका क्या कर्पज़ है मैंने इन तो सबको डिफ़ाइन करके दे देता दे हूँ आप लोग तो अब आप लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शन समझना क्या होगा इजी होगा क्योंकि जब मैं आपको बता चुका हूँ कि इन ये जो मैंने सैम्पल यूज़ किए हैं इसका क्या मतलब है इसी तरह हम अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहे होते हैं जो हम ख़ुद से डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते कि हमारे पास हम अपने प्रोग्राम के अंदर उनको डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते नहीं बता रहे होते कि भाई क्या है तो उसको लैंग्वेज वाले ने डिफ़ाइन किया हुआ है तो वो डिफ़ाइन करके उसने कहाँ रखी होती है लाइब्रेरीज के अंदर ये जो लाइब्रेरीज बनी हुई है हमारी हाइड्रो फाइल बनी हुई है ये आईओ स्ट्रीम ठीक है एस टी डी आई स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तो ये हमारे पास फ़ाइल्स हैं ठीक है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद जब हम कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाती हैं लोड हो जाती हैं तो हम उसे बता रहे होते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी डेफिनेशन जो हमने नहीं की अगर आपको ये समझ नहीं आती कि ये क्या है जैसे ये सी आउट क्या है तो आप कहाँ चले जाओ ये आई स्ट्रीम के फाइल देखो उसके अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है तो ये हमारे पास कंपाइलर को हम उसकी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन से पहले जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिवस तो हमारा मेन प्रोग्राम हमारी बॉडी जो है कहाँ से स्टार्ट होती है मेन प्रोग्राम से मेन फंक्शन से ठीक है प्रोग्राम की जो बॉडी है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है मेन से ठीक है ये जो हमारे पास है ये गलत लिखा हुआ है मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये यूजिंग नेम स्पेस ठीक है यहाँ ये वाला कहाँ लिखना होता है आपने मेन से पहले तो ये जो चीज़ें हमारे पास हैं ठीक है इसी को हम अभी प्रोग्राम बना के भी देखेंगे एवरी सी प्लस प्रोग्राम है मेन फंक्शन सी आउट एज स्ट्रीम ये मेरी बात याद रखिएगा ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्लाइड के अंदर ठीक है टाइपिंग करते हुए मुझे मुझसे मिस्टेक हुई होगी कि ये यूजिंग नेम स्पेस ऊपर लिखना है ये मेन से पहले आएगा ठीक है अगर आप इस तरह लिखोगे तो एरर देगा तो एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हैज़ अ मेन फंक्शन इसके अंदर मेन फंक्शन होगा ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास जो मल्टी जो हमारे पास हम कमेंट्स कमेंट commit कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आगे समझा दूंगा कमेंट्स क्या होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या हैं ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं ये जो हाईस्ट्रीम डॉट एच ये हमारा मेन फंक्शन है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी है ठीक है बिगन लॉजिकल प्रोग्राम सी से हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट हमने लिखी है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्केब सीक्वेंस क्या है ये आगे चीज़ें बताता हूँ जैसे कि अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सी और वेलकम टू द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मेक अ गुड प्रोग्रामर लर्न प्रोग्रामिंग हमने ये देखना है इनपुट क्या होती है टू मेक ग्रॉस सैलरी तो हमने इनपुट क्या है यूज़र से अगर कोई चीज़ प्रोग्राम ले रहा है तो हमारी क्या कहलाती है इनपुट कहलाती है हमारी डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं ठीक है जैसे यहाँ पर देखें हम आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सी एन क्या है सी आउट क्या है ठीक है वो कैसे कैसे वर्क करते हैं वो हमने सारी चीज़ें अभी प्रोग्राम में समझाऊंगा आप लोगों को इट गिव्स द लोकेशन नंबर यूज़ बाय द वेरिएबल नेम जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं अभी कोई भी वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करूँगा जो इसका नाम क्या रखना है वेरिएबल का नाम एक्स है यहाँ पर स्टोर करो जैसे अभी मैं आप लोग नॉर्मली जो हमारे पास कॉमन एरर आते हैं वो कौन से आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो भी यहाँ से देख लें मैं प्रोग्राम की तरफ आपको ले जाता हूँ ये सारी चीज़ें देख लेंगे क्या था कि मिसिंग प्रोग्राम ब्लॉक आइडेंटिफायर इसका क्या मतलब है कि यहाँ देखो कि हम सम टाइम ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो हमारे मेन की जैसे कि ये स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है और एंडिंग ब्रैकेट होती है यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये एरर है ठीक है हमारी कंपेलर एरर दे देगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा इसी तरह इफ़ यू फॉरगेट टू इंसर्ट द बिगेनिंग आर प्रोस्पोंडिंग एंडिंग ब्रैकेट्स प्रोग्राम ब्लॉक आइडेंटिफायर जैसे कि ये ब्रैकेट है यू विल सी द एरर मैसेज तो आपको एरर मैसेज आएगा इसी तरह इस तरह का मैसेज आता है कि जैसे यहाँ पे हमने सी आउट वेलकम टू द प्रोग्रामिंग यहाँ मैंने क्या नहीं लगाया सेमी कॉलन नहीं लगा यूज़ किया ठीक है हमारी क्योंकि हर स्टेटमेंट जब एंड हो रही होती है तो सेमी कॉलन लगाना होता है तो ये हमारे पास ये भी एरर आता है मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन को हम क्या कहते हैं टर्मिनेटर कहते हैं मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं इसी तरह हमारे पास कोई इस तरह के भी एरर आ सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने ये मेन हमने यूज़ किया लाइब्रेरी शामिल नहीं की ठीक है लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं की ये जो सी आउट है हमारे पास जिस लाइब्रेरी के अंदर ये डिफाइन है वो हमने क्या किया इसके अंदर डिफाइन नहीं किया इसको बताया नहीं है ऊपर इंक्लूड नहीं कराई इन इनवैलड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का दे देगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने इनवैलड दिया है इफ़ यू टाइप एन इनवैलिड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सच एज मिस स्पेल ठीक है या स्पेलिंग मिस कर दिए जैसे यहाँ पे ये भी हमने एस टी डी आई ओ डॉट एच है ना तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिखा हुआ है एस डी आई ओ डॉट एच तो इस तरह के भी एरर्स आते हैं ये हमारे सेंटेक्स एरर्स होते हैं जो नॉर्मली हमें शो करता है तो यहाँ पे देखें इस प्रोग्राम के अंदर हमने मेन के अंदर इसके अंदर कौन सी मिस्टेक की है यहाँ पे हम इन्वेलिड स्कैप सीक्वेंस स्ैप सीक्वेंस बैक स्लैश एन होता है हमने क्या लगा दिया यहाँ पे फारवर्ड स्लैश लगा दिया ठीक है तो वो बैक स्लैश एन की बजाय हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो हमें क्या दे देगा एरर दे देगा तो यहाँ पे अब इस एरर के इसके अंदर देखें इनवैलड कमेंट ब्लॉक कमेंट ब्लॉक मतलब ये है कि हमारे पास ये जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो ऐसे स्टार्ट होते हैं कि हमारे पास पहले लाइन आती है फिर क्या आता है स्टेरे आता है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं ठीक है और जो एंडिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है पहले हमारे पास स्टेरे आता है फिर हमारे पास क्या आती है ये बैक स्लैश लाइन आती है तो ये हमारे पास हमने कमेंट के लिए ये लाइन गलत लगाई हुई है तो इस तरह के एरर्स आते हैं जो हमारे सेंटेक्स एरर्स हैं हमने अगर उसके किसकी गलती कर रहे हैं लाज सेंटेक्स की गलती कर रहे हैं इस मीन कि हम उसका लिखने का तरीका हम गलत लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा मीन कि जैसे हम ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं कहीं पे फोल्ड स्टॉप नहीं लगाया कि तो ही हमारे सेंटेक्स एरर कहलाते हैंप सीक्वेंस आर सीक्वेंस द स्पेशली सिक्वेंसड करेक्टर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट जो हमारे स्कैप सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आ, सी आउट यहाँ पे भी प्रोग्राम का मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब हम कह रहे थे कि ये हमने प्रोग्राम लिखा है वेलकम वेलकम टू द बी जी यू लोधरा कैंपस ये हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी है हम उसे कह रहे हैं कंपायलर को कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो वेलकम टू लोधरा कैंपस ठीक है अब मैं उसे यहाँ पे आगे ये बैक स्लैश है बैक स्लैश जो हमारा एक स्कै सीक्वेंस है देखें उसने एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट करना है अब इससे आगे मैंने क्या जाना है तो मैंने इसे कहा कि जो कर्सर है मेरा वो किस पे लाइन पे ले जाओ अगली लाइन पे ले जाओ जैसे मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे ठीक है जैसे ये हमारे पास अब ये बैक स्लैश स्लेशन हमारा जो स्कैप सीक्वेंस है हमें न्यू लाइन पे ले जाता है पोजीशन द कर्सर एट द बिगेनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन हमें ले जाएगा बैक स्लैश चीज अब हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल टैब मूव टू द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप इनकी ज़्यादा स्पेस से छोड़ देगा बैक स्लैश ए यूज़ करेंगे तो अलार्म साउंड बेल आएगी डबल बैक स्लैश इंसर्ट अ बैक स्लैश करेक्टर द अगर डबल बैक स्लैश लगा देंगे तो एक बैक स्लैश शो करेगा ठीक है अगर हमारे पास डबल कोटेशन लगाने हैं इस तरह बैक स्लैश डबल कोटेशन डबल कोट इंसर्ट डबल कोटेशन लगाने के लिए इसी तरह के हमारे पास क्या काफ है काफ़ी सारे जैसे यहाँ पे देखें ये हमारे पास सी आउट सी आउट हमने ये स्टेटमेंट लिखी ठीक है तो यहाँ पे हम उसे यही कह रहे हैं बैक स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे संडे पहले डिस्प्ले करो फिर टैब के ये दरमियान में जो जो जगह आ रही है ये टैब की वजह से आ रही है बैक स्लैश टी की वजह से आ रही है फिर हम कह रहे हैं उसको मंडे डिस्प्ले करो मंडे डिस्प्ले कर दिया फिर ये टैब लगा दिया बैक स्लैश टी तो ये जो दरमियान में स्पेस हमें इतनी छोड़ रहा है ये बैक स्लैश टी की वजह से है ठीक है तो ये अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बैक स्लैश टी जहाँ आ रहा है तो ये स्पेस उसकी वजह से आ रही है और फिर हमने यहाँ पे सैटरडे तक डिस्प्ले किया फिर हमने लगा दिया बैक स्लैश एन इसका क्या मतलब है कि हमने कहा कि अगली जो भी वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है अब अगली लाइन पे डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे ले आया देखो अब हम सी ओड ब्रैक् स्टी यहाँ पर ये लेके आए आ रहे हैं वन फाइव ये जो जितने भी वैल्यूज़ तो हमारे पास आ रही हैं ठीक है ये हमने इतनी सारी लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू शो कर रहा है वन टू थ्री ये अगली लाइन पे शो कर रहा है तो ये बैक स्लैश एन की वजह से है तो हमें अब अब एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ से आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई कि किस तरह हमारे पास यह है आ, ये प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं हम अपने प्रोग्राम्स की तरफ आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखें मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है आई एस टीम डॉट एच ठीक है ये आपने इंक्लूड कराने होते हैं लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो लाइब्रेरी शामिल कराना लाजमी होती है तो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ये हमने ये क्यों यूज़ किया यूजिंग नेम स्पेस मैंने आप कहा था मेन से ऊपर आएगा क्योंकि जब हम हे वाले यूज़ करते हैं अगर मैं ये नहीं यूज ये नहीं लगाता देखिए मैं इसको कमेंट बना देता हूँ कमेंट का मतलब है जिसको हम कमेंट बना देते हैं वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन जाती है तो हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर मैं ये नहीं लगाता ठीक है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी तो मुझे एरर दे देगा ठीक है कंपाइल कर रहा हूँ तो मुझे नीचे क्या देगा एरर दे देगा कि हमारे पास जो ये वाला सी आउट है ठीक है देखें सी आउट इज़ अनडीफाइंड वो कह रहा है कि इन फंक्शन एंड मेन सी आउट ऑट वॉट डिक्लेयर दोप तो सी आउट का आपको डिक्लेयर क्यों सी आउट जो हमारे पास है बेसिकली वो इस तरह से है एस टी डी डबल कलन ठीक है इसी तरह जहां भी आप लोग सी आउट लिखोगे ठीक है उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको एस टी डी ये डबल कलन लगाने पड़ेंगे अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर नहीं देगा ठीक है देखें कि हमारे पास इसको कंपाइल किया तो उसने अभी भी वो कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे एंडल यूज़ किया है वो भी अनडिफाइन है ठीक है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि एंडल क्या है ठीक है क्यों इसका एरर दे रहा है मैं भी इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ठीक हो गया अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आप लोगों को समझ आ जाएगी क्योंकि हमारे पास ये देखें कोई एरर नहीं दिया इसने एग्जीक्यूट भी हो जाना है ठीक है कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा चल पड़ेगा ठीक हो गया मेरे बच्चे देखें कि ये प्रोग्राम चल पड़ा वेलकम टू द बीजीयू यू सब कैंपस लोधरा एक ही लाइन में आ रहा है ठीक है आ, वी आर स्टडींग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो अब यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे देखें ये जो हमने हम चाहते हैं कि हर सी आउट के साथ सी एन के साथ ये वाली चीज़ ना लगाएं ठीक है ये जो मैंने अभी एस टी डी और डबल कॉलन ये स्कोप रेजोल्यूशन लगाए थे रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ किए थे ठीक है मैं चाहता हूँ ये ना लगाऊँ तो फिर हम ये अपने प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं जब अपने प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल कर देते हैं तब हमारे पास क्या है ये ये जो ठीक है ये जो चीज़ है अब हमें ये एरर नहीं देगा कि हमारे पास आप देखें पहले सी ओड की वजह से हमें एरर दिया जा रहा था अब हमें ये चीज़ एरर, ये एरर नहीं देगा कि हमारे पास क्या है आ, ये सी ओ टीफाइंड या क्यों उसकी रीज़न क्या है क्योंकि तो अब मैं ऊपर ये शामिल करा चुका हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यानी एस टी डी की जगह अब मैं उसको बता दिया कि मैं ये नेम स्पेस यूज़ कर रहा हूँ एस टी डी जहाँ मैंने एस टी डी लगाना था अब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी तो हमने इसलिए हर जगह पर लगाने की बजाय ऊपर ही हमने क्या कर दिया इसको शामिल कर दिया तो ये देखें कि ये हमारे पास पे वेलकम टू द बीज यू ठीक है सब कैम्पर लोदरा और ये अब अगली लाइन पर आ रहा है ये कैसे हो गया ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है ये एंडल यूज़ कर लिया है ठीक है ये वाला एंडल का मतलब भी यही है कि अगली लाइन पे ले जाओ या जैसे अभी मैंने आपको स्क्रैप सीकुवेंसेज पढ़ाए थे ठीक है हमने ये देखा था कि बैक स्लैश एन हम क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैं ये बैक स्लैश एन क्या कर देता हूँ यूज़ कर देता हूँ तभी मेरे पास क्या करेगा ये मुझे अगली लाइन पर ले जाएगा ठीक है तो ये देखेंगे ये बैक स्लैश एन की वजह से क्या हो रहा है अगली लाइन पे लेके जा रहा है मैं अभी टैब ये सारे यूज़ करूँगा जो बेसिक हमारा C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है ये आपने ऊपर लाइब्रेरीज देनी होती हैं दो तरह की होती हैं हमारे पास इंक्लूड और ठीक है डिफाइन तो ये मेरे पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने दे दिए जो हमें ज़रूरत था ये हमने लिखना है यूजिंग नेम्स पेज एस टी डी ये हमारे पास एंड मेन फंक्शन है ठीक है और मेन फंक्शन लिखने के बाद ये उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है करली ब्रैकेट्स और ये उसकी एंडिंग ब्रैकेट्स है तो जो भी स्टेटमेंट होती हैं इसके अंदर होती है मेन के अंदर ही सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है इससे बाहर एग्जीक्यूट नहीं होती अच्छा अब मेरे बच्चे देखें कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड अभी मैंने कहा था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया उसका नाम क्या रख दिया एक्स और मैंने क्या कहा कि ये इंटीजर टाइप का है अब एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी तो ये मेरे पास क्या है अब एक्स के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करा दी ट्वेंटी अब मेरी एक बात आप लोग याद रखेंगे कि सी आउट क्या है जो हम सी आउट पढ़ रहे हैं सी आउट की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो सी ओ टो मेरे पास ये है कि जो डबल क्रेशन में जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी अदर देन एस्केप सीक्वेंसेस जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना वेलकम टू बी जी यू ठीक है सब कैंपस लोधरा अगर मैं इस डबल क्रेशन में इन्वर्टेड कोमाज में जैसे ये मैंने लगाए हैं इन्वर्टेड कोमाज ये क्या लगाए हैं इवर्टेड कोमाज इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूँगा स्क्रीन के ऊपर वैसे वैसे आएगा जैसे मैं अभी देखो डॉट 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 लगा देता हूँ तो वहाँ पर भी क्या आएगा डॉट 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 आएगा ठीक है और इसके अलावा ये स्कै सीक्वेंस कहलाते हैं स्कैप सीक्वेंस के अलावा बाकी एज एट इज़ आ जाता है तो डबल क्लेशन में जो कुछ भी लिखा जाता है वो एज एट इज़ इस, स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है अभी हमने और स्क्रीन के ऊपर कौन डिस्प्ले कराएगा सी आउट सी आउट में जो कुछ लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा जैसे ये यहाँ पे देखे मैंने डॉट डॉट लगाया तो वैसे का वैसे क्या कर रहा है उसको डिस्प्ले कर रहा है ठीक है तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अभी मैं आप लोगों को वेरिएबल की इसकी मैंने वैल्यू नहीं डिस्प्ले कराई तो ये नहीं कर रहा अभी ठीक है यहाँ पर मैंने कहा कि कर्सर को अगली लाइन पे ले जाओ अब मैं दो, दो दफ़ा लगा देता हूँ बैक स्लैश एन ठीक है तो इसका मतलब है दो लाइनें छोड़ेगा तीन लाइनें छोड़ेगा अब तो आउटपुट में देखेंगे कि तीन चार लाइनें दरमियान में आ जाएंगी ठीक है तीन चार लाइनें यहाँ पे देखें अब तीन चार लाइनें उसने क्या कर दी हैं स्पेसेस छोड़ दी हैं ये किसकी वजह से है स्केब सीक्वेंसेस की वजह से अब यहाँ पे देखें मैं कहता हूँ वी आर स्टडियंग स्टडियन के बाद क्या लगा लगाते बैक स्लैश टी दरमियान में टैब दे थे जगह दे दे तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट टैब के ऊपर यूनिप्रेंट करेगा ये जो अभी आप लोगों को नज़र आएगा जो समय दरमियान में ये जो दरमियान में स्पेस आई है मेरे बच्चे यहाँ देखें वी आर स्टडींग के बाद ये मैंने क्या लगाया था बैक स्लैश टी तो जिस तरह जो हमारी ज़रूरत होती है हम उसके मुताबिक हमने क्या करना होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है ठीक है अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट इस एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करानी है स्क्रीन के ऊपर तो इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना वेरिएबल को डबल कोटेशन के अंदर ये सेमी कॉलर डबल कोटेशन में नहीं लिखना तो अब मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ये किसकी वैल्यू डिस्प्ले करो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करो और मैं कहता हूँ कि कर्सर को किस ले पे, पे ले जाओ अगली लाइन पे हैंडल भी अगली लाइन पे लेके जाने के लिए अगर मैं ये नहीं लगाता पहले मैं ये नहीं लगाता तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा ट्वेंटी ठीक है सी आउट मैंने कहा कह दिया एक्स एक्स में क्या है ट्वेंटी ये मेमोरी में जाएगा और देखेगा एक्स के नाम की जो जगह है वो देखें इसने ट्वेंटी डिस्प्ले करा दिया लेकिन उससे अगले मैंने जो लिखा था सी आउट में वेलकम टू द बी वो भी साथ डिस्प्ले कर रहा है क्यों क्योंकि अभी लाइन के अंदर जगह बची हुई है मैंने उसे कहीं नहीं कहा कि एक लाइन छोड़ दो अब मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप क्या करो कर्सर को अगली लाइन पर ले जाओ यानी अगला जो मेरा आउटपुट है ठीक है कुछ भी डिस्प्ले करना है तो अगली लाइन पर डिस्प्ले करें तो अब ये जो वेलकम टू बी ये अगली लाइन पर आएगा ये बैक से रेस्ट से भी अगली लाइन पे ले जाता है एंडल से भी अब यहाँ देखें ये ट्वेंटी और वेलकम टू द बी जी सब कैंपस लोधरा ठीक है तो ये हमारे पास हम इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम डिस्प्ले करा करा सकते हैं वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उस ये डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो वैसे का वैसे आएगा अब देखो मैं इस तरह चाहता हूँ आउटपुट में मैं कहता हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू और फिर आगे एक्स की वैल्यू आ जाए तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ठीक है इसको डबल कोडेशन डबल कोलेशन के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो वैसे की वैसे आ जाएगी ये डबल कोडिशन क्लोज कर दिए अब मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या करो सी आउट ये इंस, इंसर्शन ऑपरेटर ठीक है कि इन साइड को स्क्रीन के ऊपर किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू अब मेरा आउटपुट किस तरह आएगा पहले लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू और यहाँ एक्स की वैल्यू शो करा देगा ठीक है तो अब ये यानी जिस तरह हम जो चाहते हैं वो वैसे का वैसे डिस्प्ले करेगा तो यहाँ पे देखें इसने अब क्या लिखा द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है क्योंकि मैंने आगे एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करा दी थी यानी अब इस स्टेटमेंट को समझें कि क्या है यानी जो एज एट इज लिखा डबल क्वेश्चन में उसने वैसे का वैसे डिस्प्ले करा दिया मैंने कहा इसको सी आउट करो फिर मैंने कहा कि सी आउट करो इंसर्ट करो किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू इसको मैंने डबल क्वेश्चन में नहीं लिखा तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा अगर मैं इसको एक्स को भी डबल कोडेशन में लिख दूँ देखें तो तब मुझे ये, ये एक्स भी क्या कर देगा डबल कोडेशन में शो कर देगा एज इट इज शो कर देगा ठीक है एज इट इज़ एक्स आ जाएगा एक्स की वैल्यू नहीं आएगी ठीक है क्योंकि यहाँ देखो एक्स इज इक्वल टू एक्स तो भाई यहाँ मैंने अगर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो मैं इसे डबल कोडेशन के अंदर नहीं लिखूँगा तो ये हमारे पास क्या था आ, मेरे बच्चे आज का लेक्चर था ये हमारे पास हमने इसके अंदर कुछ स्कैप सीक्वेंसेस आप लोगों उसकी प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है उन चीज़ों को देखना है वेरिएबल्स बनाने हैं डिफरेंट और उन वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करानी है अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस ना की इसके अंदर चेंजिंग करते रहेंगे सीखते रहेंगे ये गेम की तरह समझ के इसको सीखें आ, करेंगे तो आप लोग को आएगा अदरवाइज़ आप लोग को कोई चीज़ समझ नहीं आएगी मैं आ, अगले इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि यूज़र से हमने किस तरह वैल्यू लेनी है अगर यूज़र से हमने वैल्यू गेट करनी है तो किस तरह गेट करनी है ये तो अभी हम एक वेरिएबल सिंपल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको वैल्यू दे रहे हैं सिंपल फिर हम ये देखेंगे कि मैं यूज़र से कैसे वैल्यू ले सकता हूँ फिर उसको कैसे डिस्प्ले करा सकता हूँ मैसेज यूजर को कैसे डिस्प्ले कराना है मैसेज डिस्प्ले कराना तो आप लोगों ने सीख लिया जैसे यहाँ पे देखेंगे अब मैसेज ही डिस्प्ले करा रहे थे वेलकम टू द बीजी यू ठीक है अब मैंने और यूज़र से सी एन कैसे करानी है सी एन एंड सी आउट की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद प्रैक्टिस करेंगे मेरे ख्याल में इतना ये आज का हेल्पफुल लेक्चर साबित होगा आप लोगों के लिए और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और कोई भी अगर बात समझ नहीं आ रही तो मुझे वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर उसका जवाब दूंगा यू बेस्ट ऑफ़ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर जीतते रहें खुश रहें इस लेक्चर को लाइक मत लाइक करना मत भूलिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर किसी का भी फायदा हो सकता है तो हम किसी को भी अगर मेरे लेक्चर से फ़ायदा होगा तो मुझे उससे खुशी ज़रूर होगी अल्लाह ताला मुझे उसका आज़र देंगे जीते रहें खुश रहें अल्लाह हाफिज अल्लाह ने कबान